अच्छा ये जो है ना इसने इसलिए नहीं करी, इसका ना एक बच्चा था और वो एक बच्चा जो है ना वो मैंने यहाँ पे डाल दिया जो नीचे बैठा हुआ, ये है उस वाले पियर का। हाँ भाई क्या हाल है भाई, सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो यार आज की वीडियो में जो है मैंने आपको अपनी डफ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखानी। पिछले महीने भी मैंने एक वीडियो बनाई थी फरवरी के महीने की, उसकी दिखाई थी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग आ रही थी। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये मेरा जो है वो सेटअप है डफ का, टोटल 12 पेयर अभी लगे हैं, तो एक एक करके सबका मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या ब्रीडिंग आई है। तो सबसे पहले वाले पेयर में जो है वो दो बच्चे, एक आपको ये ऊपर टोकरी में नज़र आ रहा है और एक जो है ना वो उसके नीचे उतर गया है, बल्कि दो नहीं तीन बच्चे, इसके अपने दो बच्चे, एक मैंने कहीं और से डाले। अब इसके बराबर वाले में आ जाए तो माशाल्लाह से जो है वो दोस्तों इस वाले पियर ने एक अंडा दिया हुआ है। अब इसके बराबर में आ जाए तो ये वाला जो मेरा पियर है इसने जो है वो कुछ भी नहीं किया हुआ, आप देख सकते हैं पूरी टोकरी जो है वो खाली है। अब नीचे आ जाते हैं तो नीचे वाली में क्या रिजल्ट है, इसने जो है ना वो दोस्तों अंडे दिए हुए, ठीक है, तो ये दो अंडे इसने दिए। अब इसके बराबर वाली में आ जाए तो इसने भी मेरे ख्याल से ब्रीड वगैरह करी हुई है, अगर ये हट जाए तो माशाल्लाह दोस्तों इसने भी जो है वो दो अंडे दिए हुए। अब इसके बराबर वाली में आ जाए तो इसने भी मेरे ख्याल से ब्रीडिंग स्टार्ट करी थी और इसके जो है ना वो बच्चे भी निकल गए, देख सकते हैं दोस्तों माशाल्लाह से ये दो बच्चे निकले हैं बहुत छोटे छोटे से। अब इसके इधर आ जाए तो ये वाली में देख लेते हैं क्या रिजल्ट चल रहा है, मेरे ख्याल से इसने अभी तक जो है वो ब्रीड स्टार्ट नहीं करी है, टोकरी जो है वो खाली पड़ी हुई है। अब इसके बराबर में आ जाए तो मादी तो बैठी हुई है टोकरी में, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या रिजल्ट आया है। तो माशाल्लाह दोस्तों इसके भी जो है वो दो बच्चे निकल गए, थोड़े बड़े भी हो गए। अब इसके बराबर में आ जाए तो इसने जो है वो दोस्तों एक अंडा दिया हुआ, मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं टोकरी के अंदर एक अंडा। अब इसके ऊपर वाली में आ जाए तो ये टोकरी जो है वो खाली है मेरे ख्याल से। अब इसके बराबर वाली में आ जाए तो दोस्तों ये देख सकते हैं माशाल्लाह इसने जो है वो दो अंडे दिए हुए। मैं जो ज़्यादा तंग नहीं करना चाह रहा हूँ कि ये फड़फड़ाते ना इनके परों से फिर खून निकल जाता है। अब ये लास्ट पेयर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट चल रहा है भाई। हटो भाई हटो, माशाल्लाह दोस्तों इसने भी जो है वो दो अंडे दिए हुए। तो यार ये मेरे पास थोड़े से जो है वो डफ के पेयर थे, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग है, कुछ जो है वो ब्रीडिंग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, बाकी किसी में अंडे किसी में जो है वो बच्चे वगैरह निकल गए, ठीक है। अच्छा ये दो पिंजरे तो डफ के, अब ये वाला पिंजरा जो मैं लेकर आया था ना इसकी मैंने वीडियो भी बना के दिखा दी, तो ये भी मैं डफ के लिए लेकर आया हूँ। कहाँ से लाऊंगा वो डफ दोस्तों ये रखी हुई सारी है, तो इनके पेयर बना बना के मैंने इस पिंजरे में लगा दिया और बाकी इसके अंदर जो ना एक बजरी का पट्टा भी डला हुआ है। ये मैंने कॉलोनी से निकाला था, एक अकेला पट्टा पड़ा हुआ था तो मैंने निकाल के ना वो डफ में डाल दिया। बाकी ये जो है फिंचेस आ गई जिनकी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी कि मैंने ये कॉलोनी बनाई है और कॉलोनी बनाने के बाद इनको यहाँ पे शिफ्ट किया था, वो भी आपको दिखाया था। तो इनको जो है 3-4 दिन हो चुके हैं शिफ्ट किए हुए, माशाल्लाह ये भी जो है काफ़ी मज़े कर रही है बड़ी जगह पर आके। तो सही है दोस्तों यार वीडियो ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोग से जो है वो 1-2 दिन बाद मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।